हाय दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप देख रहे हैं शुभम वॉइस। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे रेडमी 10A स्पोर्ट्स की। दोस्तों काफी अच्छे फंक्शंस के संग ये लेस है। चलिए दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे रेडमी 10A स्पोर्ट्स की। दोस्तों ये बजट फोन है और काफी अच्छे फीचर्स के संग आता है। चलिए दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्स के नीचे हमें सबसे पहले मोबाइल रखा हुआ मिलता है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। नीचे की तरफ हमें एक एनवलप मिलता है, यहाँ पे हमें सिम इजेक्टर टूल मिलता है और कुछ पेपर गाइड्स मिलती हैं, इसको हम साइड में रख लेते हैं। और हमें अंदर एक डेटा केबल मिलती है जो एक माइक्रो यूएसबी डेटा केबल है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। और अंदर हमें बॉक्स में एडाप्टर मिलता है, ये कोई फास्ट चार्जर नहीं है, नॉर्मल चार्जर है। चलिए दोस्तों सबको हम साइड में रख लेते हैं, देखते हैं सेट को। दोस्तों सेट को हम बाहर निकाल लेते हैं इस पॉलीथीन से। दोस्तों सेट हाथ में लेने में काफ़ी बड़ा लग रहा है। रेडमी 10A स्पोर्ट जो मेरे पास सेट है, इसमें जो बैटरी बैकअप है वो हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि 5000 mAh की हमें इसमें बैटरी लगी हुई मिलती है। और दोस्तों इसका जो कलर है, ग्रेइश कलर में मैंने मंगवाया है सेट, काफ़ी प्यारा लगता है। देख सकते हैं यहाँ पे लाइनिंग दिख रही होंगी आपको, और इस तरफ ग्लॉसी पैनल है। और ये कोई चार कैमरे नहीं है, एक कैमरा है सिर्फ, ये कुछ नहीं है। ये हमें LED फ्लैश मिलती है, ये हमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, तो ये कोई चार कैमरे नहीं है, हमें एक ही कैमरा मिलता है। और पीछे से सेट का लुक है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। और नीचे की तरफ हमें माइक्रो USB पोर्ट, स्पीकर, माइक का सपोर्ट है। ऊपर की तरफ हमें 3.5 mm जैक लगाने का सपोर्ट है। और यहाँ पे हमारी सिम ट्रे मिलती है। और इस साइड देख लें तो वॉल्यूम रॉकर्स और पावर ऑन ऑफ बटन है। दोस्तों इसके प्रोसेसर की मैं बात कर लूँ तो इसमें हीलियो G25 विथ हाइपर इंजन 1.0 का हमें प्रोसेसर मिलता है, जो इनहेंस गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। तो दोस्तों छोटी मोटी गेमिंग के लिए अच्छा प्रोसेसर है। चलिए दोस्तों इसको करते हैं बूट अप। ऊपर से मैं इसकी पॉलिथीन हटा लेता हूँ। मैं आपको बूट अप करके इसको सेट को दिखाता हूँ। दोस्तों सेट हमने बूट अप कर लिया है, लोडिंग हो रहा है सेट ऑन होने में, काफ़ी टाइम ले रहा है सेट लोडिंग होने में। देख सकते हैं सेट हमारा बूट अप हो चुका है, थोड़ा सा हैंग हो रहा है ऑन होने में पहली बार। दोस्तों जो हमें डिस्प्ले साइज मिलता है वो हमें डिस्प्ले साइज काफ़ी बड़ा मिलता है, 6.53 इंचेस का डॉट नॉच डिस्प्ले है। नीचे की तरफ चिन हमें थोड़ी सी मिलती है। और दोस्तों ये 3D कर्व बैक के संग आता है, जो ये कर्व आ रहा है ये 3D कर्व नाम से MI ने बताया है। और इसमें डुअल वोल्टी विद वो 5S में दोस्तों, हाँ। और इसमें नाइट मोड फॉर लो लाइट फोटोज़ के लिए भी इसमें ऑप्शन हमें दिया गया है। और दोस्तों जो मैंने ये वाला वेरिएंट मंगवाया है, ये है 6128 का, ये आपको अमेज़ॉन पे 10,500 का मिल जाएगा। मैंने भी अमेज़ॉन से इसको परचेज करा है। तो दोस्तों जो इसका हमें सेल्फी कैमरा मिलता है वो हमें काफ़ी कम मिलता है, 5 MP का। और बैक में हमें एक ही कैमरा मिलता है 13 MP का। और इसमें हमें, मैंने आपको बताया, ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता ही है। चलिए दोस्तों मैं इसके कुछ सेटिंग्स में देख लेता हूँ, इसमें हमें कौन सा वर्जन एंड्रॉयड का मिलता है। अबाउट फोन में जाके दोस्तों हमें जो MIUI ग्लोबल मिलता है वो 12.5.7 मिलता है। स्टोरेज देख सकते हैं आप, और यहाँ पे हम देखते हैं सिक्योरिटी पैच हमारा अभी अपडेटेड नहीं है, और एंड्रॉयड वर्जन हमारा 11 मिलता है, तो ये थोड़ा सा पुराना है एंड्रॉयड वर्जन, अपडेट के बाद हो सकता है वर्जन आ जाए इसमें अच्छा। और दोस्तों इसमें हमें 2 SIM लगाने का ऑप्शन मिलता ही है, और एक हम इसमें मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी हमें दिया गया है। दोस्तों ये हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर दोस्तों अनबॉक्सिंग आपको अच्छी लगे,
तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।